नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, यह पावर टिलर ट्रैक्टर मशीन है। दोस्तों, ये खेत जोतने के काम में आता है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है KKIC 2000P। दोस्तों, मैंने इसका एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसका ये जो स्टार्ट करने वाला रस्सी है ये ख़राब हो चुका है। इसमें जो कंपनी का रस्सी लगा हुआ था वह टूट गया था, तो हमारे किसान भाई ने इसमें टेम्परेरी एक रस्सी लगाया हुआ है जिससे कि इनका काम चल गया। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि रस्सी टूट जाने पर आप अपने से कैसे इसको बदल सकते हैं। रस्सी बदलना बहुत ही आसान है, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों, इसके प्लेट में 6 बोल्ट लगे हुए हैं, इसमें 8 नंबर का टूल्स लगेगा। दोस्तों, यहाँ हमने इस प्लेट को बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा सिस्टम अंदर लगा होता है और ये रस्सी ऐसे काम करता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ हम पुराने रस्सी को निकाल लेते हैं, तो यहाँ हमने पुराने रस्सी को निकाल लिया है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान पर हम इसको घुमाएंगे, 6.5 फेरा घुमाने पर ये रस्सी के पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे हमें घुमाना है, इसे गिनती से हम 6.5 फेरा घुमाएंगे, यानी 6 के बाद आधा और घुमा देंगे। तो यहाँ 6 के बाद ये आधा और घुमा दिया है हमने, तो यहाँ अब ये रस्सी के सामने ये आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे हमें घुमाना है। इस रस्सी को फिर हम यहाँ से ऐसे इसमें डालेंगे और यहाँ से रस्सी निकालने के बाद एक गट्ठी मार देंगे ऐसे, यहाँ एक ऐसे गांठ देना है। तो दोस्तों, आपने देखा रस्सी लगाना कितना आसान है, इसे आप अपने से लगा सकते हैं, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम फिर धीरे धीरे ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ ये अच्छे से रस्सी लग गया। अब इसे हम इसमें फिट कर लेते हैं, यहाँ अच्छे से टाइट कर देंगे इसको। दोस्तों, अभी मैं टाइट करने के बाद आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पूरे रस्सी को बाहर निकालेंगे, तो ऐसे हम धीरे धीरे इंजन के कंप्रेसर को तोड़ते हुए बाहर निकालेंगे। पूरे रस्सी को हम धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे और इसे हम नापेंगे, तो यहाँ हमें ऐसे नापना है। दोस्तों, इसे हम 3 फीट रखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 फीट हमने रस्सी को लिया है, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लपेटना है, 2.5-3 फीट बहुत है, आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं। तो यहाँ रस्सी हमारा काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे जिससे कि हमें पकड़ के खींचने में आसानी हो। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं हमारा ये रस्सी कंप्लीट हो गया, तो ऐसे ये अंदर भी खींच ले रहा है, फालतू रस्सी नीचे लटकेगा भी नहीं और इतने में हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हम इंजन को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा एक ही बार में इंजन स्टार्ट हो गया।
दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रसिया काट ले है। जा जा जा।